गुड मॉर्निंग। इनकम टैक्स में आज हम नया हेड स्टार्ट करते हैं। दो हेड हमने पढ़ लिए थे, सैलरी हेड और हाउस प्रॉपर्टी हेड। टोटल पांच हेड होते हैं, आपको पता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। तो आज नेक्स्ट कैपिटल गेन हेड स्टार्ट करेंगे हम। कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। तो सबसे पहले बात तो ये आएगी कि कैपिटल गेन होता क्या है। एक होती है कैपिटल एसेट्स, पूंजी संपत्ति। यदि किसी करदाता ने गत वर्ष में अपनी कैपिटल एसेट्स, किसी भी कैपिटल एसेट क्या होती है, कौन कौन सी होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। किसी भी कैपिटल एसेट्स को हस्तांतरण, ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर मतलब बेच दिया है। बेचना भी कैसे होता है, प्रतिफल के बदले में, मतलब बेच के पैसे लिए हो, और ट्रांसफर करने से मान लो उसको लाभ हुआ है, तो ऐसे लाभ को हम क्या कहेंगे, पूंजी लाभ कहेंगे। पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, तो पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण है। यदि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण करके किसी भी प्रकार का करदाता को लाभ हुआ है गत वर्ष में, तो उस लाभ पर कर लगेगा, टैक्स लगेगा, तो उसे हम कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर कहते हैं। तो कैपिटल गेन के टैक्स के लिए क्या क्या शर्तें होनी जरूरी है, कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी होगी तो ही पूंजी लाभ का कर लगेगा, कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो कौन कौन सी शर्त है, पहली शर्त, किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ। कोई ना कोई कैपिटल गेन के लिए जो संपत्ति है, पूंजी संपत्ति, उसका ट्रांसफर हुआ हो, हस्तांतरण हुआ हो। दूसरी, हस्तांतरण गत वर्ष में हुआ, हस्तांतरण गत वर्ष में, मतलब हमारा जो गत वर्ष है उसमें। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, नई बुक आ गई है तो अब अपना गत वर्ष, दो ऐड तो हमने गत वर्ष 18-19 लेके पढ़े थे क्योंकि नई बुक आई भी नहीं थी, अब नई बुक अवेलेबल हो गई है, तो अब हमारा असेसमेंट ईयर होगा 2021 और गत वर्ष प्रीवियस ईयर होगा 19-20, ठीक है ना। अब 19-20 के आधार पर ही हम सारा काम करेंगे, नई बुक के आधार पर काम करेंगे। उसके बाद हस्तांतरण से लाभ उत्पन्न हुआ हो, पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया है, उससे कोई ना कोई लाभ हुआ हो, तभी आप टैक्स लगाओगे उसके ऊपर, ठीक है ना। और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ऐसा लाभ कर मुक्त नहीं, आयकर अधिनियम के किसी भी सेक्शन के अंतर्गत कर मुक्त नहीं। कर मुक्त है यदि वो लाभ, तब तो उसके ऊपर टैक्स लगना ही नहीं है, पता है आपको। ऐसा लाभ यदि कर मुक्त नहीं है तो ये सारे जो पॉइंट है ये पूंजी लाभ की कैटेगरी में आएगा, मतलब पूंजी लाभ होने के लिए इन इन शर्तों का होना आवश्यक है। अब बात करेंगे पूंजी संपत्ति क्या होती है। कौन कौन सी संपत्ति अब पूंजी संपत्ति की श्रेणी में आएगी, ठीक है ना। तो पूंजी संपत्ति किसे कहेंगे, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं करदाता के पास रखी गई किसी भी प्रकार की चल या अचल संपत्ति, चाहे वो व्यापार में काम आ रही है चाहे निजी प्रयोग में आ रही है। किसी भी प्रकार की चल अथवा अचल संपत्ति जो
व्यापार या निजी प्रयोग में काम आ रही हो, व्यापार के अंदर यूज आ रही हो, व्यापार का स्टॉक नहीं होना चाहिए। आज मान लो मेरा जमीनों का काम है और मेरे पास में बिल्डिंग पड़ी है, जमीनें पड़ी है, तो वो तो मेरे व्यापार का स्टॉक है। व्यापार का स्टॉक पूंजी संपत्ति नहीं होता है। मेरा किसी और चीज का काम है और मेरे पास में व्यापार में बिल्डिंग पड़ी है, जमीन पड़ी है, तो वो पूंजी संपत्ति है। लेकिन जमीनों का ही काम है तो वो तो व्यापार का स्टॉक हो गया, है ना। तो स्टॉक को हम पूंजी संपत्ति नहीं मानते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की चल अथवा अचल संपत्ति जो व्यापार या निजी प्रयोग में काम आ रही हो और या फिर कोई प्रतिभूति, आपके एक अधिनियम बना हुआ है सेबी एक्ट, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी एक्ट 1992, उसके अंतर्गत यदि कोई विदेशी व्यक्ति ने प्रतिभूति में निवेश किया है और उस प्रतिभूति से उसको लाभ हो रहा है, सिक्योरिटी से लाभ हो रहा है, तो फिर वो भी पूंजी संपत्ति की श्रेणी में आएगा। लेकिन कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाती। क्या क्या संपत्तियां पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो मैंने बताया व्यापार का स्टॉक, और एक निजी प्रयोग की संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो निजी प्रयोग में ले रहे हो आप, डेली रूटीन में काम में ले रहे हो, है ना, तो उनको हम क्या है कि पूंजी संपत्ति नहीं मानते। जैसे आपके घर में बर्तन है, फर्नीचर है, घर का बर्तन, है ना, घर का फर्नीचर, घर के आपके कपड़े हैं, कार है, स्कूटर है, टीवी है, कूलर है, घरेलू प्रयोग की जो वस्तु है, उनको हम पूंजी संपत्ति नहीं मानते। लेकिन जैसे घरेलू मान लो महिलाओं के जेवर है, तो जेवर तो पूंजी संपत्ति है। केवल घरेलू प्रयोग में जो दैनिक प्रयोग में आ रही है संपत्तियां, वो आपके पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। तो जैसे जेवरात है, तो जेवरात है, या आपके पास में कोई पेंटिंग पड़ी है ना, वो पेंटिंग आपने करोड़ों रुपए लाखों रुपए दे के खरीदी है, मूर्तियां हैं पुरानी, जो मतलब जिसको हम क्या कहते हैं पुराने जमाने की जो मूर्तियां होती है, ठीक है ना, ये सब जो बहुमूल्य चीज है जो दैनिक प्रयोग में नहीं आ रही है, ये सब तो पूंजी संपत्तियां हैं। लेकिन घरेलू प्रयोग की दैनिक प्रयोग में आने वाली जो संपत्तियां हैं, वो पूंजी संपत्तियों की कैटेगरी में नहीं आएगी, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा, यदि ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि है, ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई कृषि भूमि है हमारे पास में, एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो भी पूंजी संपत्ति नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड को बेचने से यदि आपको लाभ हुआ है, तो वो पूंजी लाभ नहीं माना जाए। अब एग्रीकल्चर, कृषि भूमि कहेंगे किसको, तो कृषि भूमि किसको कहेंगे, इसको ध्यान में रखने के लिए क्या बातें ध्यान रखनी है कि जैसे आप शहरी भूमि समझ लो, तो कृषि भूमि अपने आप समझ बात है। मैं शहरी भूमि किसको कहेंगे उसकी बात कर रहा हूँ, इसके कई पॉइंट है। देखो, शहरी भूमि हम किसको कहेंगे, ठीक है ना। पहली बात, ऐसी कोई भूमि है जो नगरपालिका बोर्ड की स्थानीय सीमा में स्थित हो, नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम कुछ भी हो, नगर पालिका की स्थानीय सीमा में स्थित कोई भूमि है, तो शहरी भूमि होती है। तो शहरी भूमि तो पूंजी संपत्ति मानी जाती है, कृषि भूमि नहीं मानी जाती है, है ना। गांव में हो तो शहरी भूमि में क्या क्या आएगा वो पढ़ लेते हैं। वो कृषि भूमि है, शहरी भूमि में जो भी भूमि आएगी वो मतलब शहरी भूमि है, उसके अलावा सारी कृषि भूमि मानी जाएगी। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है, एक तो जो बात आती है कि यदि आपकी जनसंख्या, जहाँ पे भी आप रहते हो, उसकी जनसंख्या 10,000 से अधिक है,
ठीक है ना, और 1,00,000 से अधिक नहीं है, और ऐसी भूमि नगर पालिका के 2 किलोमीटर के भीतर स्थित हो। मैं लिखता हूँ, देखो ये जो नगर पालिका की स्थानीय सीमा है उसकी बात कर रहे हैं, आबादी 10,000 से 1,00,000 तक हो और भूमि नगर पालिका सीमा के 2 किलोमीटर के अंदर हो तो वो शहरी भूमि है। 10,000 से 1,00,000 के बीच में हो और नगर पालिका सीमा के 2 किलोमीटर के अंदर है तो क्या है, शहरी भूमि है। इसी प्रकार से मान लो आबादी 1,00,000 से 10,00,000 तक हो, 1,00,000 से 10,00,000 तक की आबादी वाले जो क्षेत्र है उनमें यदि भूमि नगर पालिका क्षेत्र के 6 किलोमीटर के भीतर हो, भूमि 6 किलोमीटर के अंदर हो तो वो शहरी भूमि है, और यदि आबादी 10,00,000 से अधिक है और भूमि 8 किलोमीटर के अंदर है स्थानीय सीमा के तो भी शहरी भूमि। तो ये तीनों तरह की शहरी भूमि होती है। इसके अलावा जो भी भूमि है वो कृषि भूमि है, और कृषि भूमि पूंजी संपत्ति में नहीं आती है, शहरी भूमि कृषि भूमि जो है वो पूंजी संपत्ति में नहीं आती है, शहरी भूमि जो है वो पूंजी संपत्ति में आती है, ये ध्यान रखना। तो ये सारी शहरी भूमि है, जैसे मान लो नागौर की आबादी आपकी कितनी है, 2,00,000 होगी 3,00,000 होगी, तो इसके बीच में आ रही है, ठीक है ना, तो इसके बीच में आ रही है, तो नागौर की स्थानीय सीमा, स्थानीय सत्ता क्या है, नगर परिषद है, तो नगर परिषद से 6 किलोमीटर का जो एरिया है चारों तरफ उसके अंदर जो भी भूमि है 6 किलोमीटर तक वो सारी शहरी भूमि है, और 6 किलोमीटर से बाहर का जो एरिया है वो कृषि भूमि है। तो कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हो गया अपना ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि, कृषि भूमि पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाती है। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट, केंद्र सरकार ने समय समय पर कुछ ऐसे बॉन्ड निर्गमित किए हैं अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से जिनको पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित विशेष बॉन्ड, कुछ अलग अलग तरह के विशेष बॉन्ड है जिनको पूंजी संपत्ति की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तो मुख्य रूप से ये चीजें जो है वो आपके पूंजी संपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हम बात करेंगे भाई पूंजी संपत्ति में क्या क्या आएगा वो भी बात कर लो, तो जो इन इन चीजों के अलावा सारी पूंजी संपत्ति है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम एक एक पॉइंट से बात करें तो देखो पूंजी संपत्ति में एक तो आएगा पूंजी संपत्ति, शहरी क्षेत्र की कृषि, शहरी क्षेत्र की भूमि है यदि कोई भी तो वो पूंजी संपत्ति, भले कृषि भूमि है चाहे दूसरी भूमि है, ठीक है ना, वो पूंजी संपत्ति में आएगी। अन्य भूमि, कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई भी भूमि है तो वो भी आपके पूंजी संपत्ति में आ जाएगी। उसके अलावा व्यापार में प्रयोग आने वाली संपत्तियां, प्रयोग आने वाली, स्टॉक नहीं होना चाहिए, बता दिया था मैंने आपको, व्यापार में प्रयोग आने वाली कोई भी संपत्ति है तो वो। उसके अलावा अंश और प्रतिभूतियां, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ये भी आपके पूंजी संपत्ति की श्रेणी में आती है। फिर जेवरात, सोना चांदी वगैरह जो भी है, चाहे घरेलू उपयोग के भी है। अब कभी मान लो सोनार है तो सोनार के पास तो सोना चांदी जेवर पड़े हैं मान लो, तो वो उसकी पूंजी संपत्ति नहीं है क्योंकि वो उसके व्यापार का स्टॉक है, व्यापार के स्टॉक का अलग मैटर है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है।
जेवरात के बाद में अदृश्य संपत्तियां। अब अदृश्य संपत्तियां भी पूंजी संपत्तियों की श्रेणी में आती है, जैसे मान लो ख्याति है, पेटेंट है, ठीक है ना, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, अधिकार राइट्स होते हैं कई तरह के, जैसे मान लो खान वगैरह का अधिकार है, हमारे पास कोई माइंस है, कोयले की खान है, उसको खोदने का अधिकार है अपने को, ठीक है ना, लाइसेंस है, लाइसेंस, ठीक है ना। तो इस तरह के जो चीजें होती है अदृश्य संपत्तियां लगभग सारी की सारी पूंजी संपत्तियों में आती है। लेकिन मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ख्याति के संबंध में बात ध्यान रखनी है कि ख्याति यदि व्यापार की है तो पूंजी संपत्ति है, और ख्याति यदि पैसे की है, पैसे की मतलब डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षक, इनकी ख्याति जो है पैसे की ख्याति कहलाती है, जो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने पैसे पर काम कर रहे हैं, तो पैसे की ख्याति पूंजी संपत्ति नहीं है, ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि भाई पूंजी संपत्ति में कौन कौन सी चीजें आती है, ये ध्यान रखनी है सभी आपको कि कौन सी पूंजी संपत्ति है और कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है। तो ये सब चीजें ध्यान रखोगे तो फिर ये चैप्टर में आगे काम करने में अपने को सुविधा रहेगी, ठीक है। थैंक यू, बाकी कल पढ़ेंगे।